सो है व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ कलाम। सो गाइस कैसे आप सब, बढ़िया होंगे और अभी बढ़िया होंगे। सो गाइस आज की वीडियो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइस आप समझ लो कि अगर आप स्नाइपर चलाना पसंद करते हो तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो कोई भी नहीं देखी सर, कोई भी नहीं। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ AWM की टॉप 5 या फिर आप बोल सकते हो कुछ टॉप टिप्स, ठीक है। AWM के टॉप टिप्स, ठीक है। कितने टिप्स हैं मुझे अब खुद नहीं पता, मैंने गिने तक नहीं है गाइस, ठीक है। सो दिल थाम के बैठ जाओ और देखो इसे ध्यान से। सो गाइस चलो आज की गाइस हमारी AWM की सबसे पहली टिप्स एंड ट्रिक्स ये है कि गाइज आपको अपने कस्टम HUD में कुछ चेंजेस करने हैं। गाइज ज़्यादा नहीं, आपको अपने फायर बटन को कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो गाइज सबसे पहले मैं अपने कस्टम HUD में चला जाता हूँ, ठीक है। सो गाइज देखो ये है मेरा कस्टम HUD जिसे कि मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो गाइज देखो यहाँ पर आपको अपने ये जो वेपन स्विच बॉक्स है ना, इसको गाइज आपको अपना 70 या फिर 64 से तो नीचे रखना ही नहीं है, क्योंकि गाइज अगर कभी कभी मान लो ये तो है क्विक वेपन स्विच जिसे मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। गाइस इससे क्या होता है कि देखो अभी जैसे मैंने तवा लिया है, फिर उसके बाद मैंने ओम निकाला और फिर उसके बाद मान लो मैंने यहाँ पर शूट किया, अब देखो तवा निकल गया इसको दबाने से। तो गाइस इससे ना जो पहले वाली चीज़ होती है वही आ जाती है। तो गाइस इससे यही होता है और गाइस मैं इसे बहुत कम यूज़ करता हूँ जब मेरा AWM मतलब कभी कभी वहाँ से चलता नहीं है तो। और गाइस देखो तो मैं ज़्यादातर देखो यहीं से यूज़ करता हूँ। देख लो अभी मेरे पास तवा है और ये एक आ गई ओम, ठीक। देखो दूसरी ओम हाथ में आ गई, अब ये रीलोड नहीं थी। और ये देखो यहाँ पर देखो मुझसे कभी कभी नहीं चलती है, क्योंकि गाइस ऐसा कभी कभी सबके साथ हो जाता है यार, ऐसा नहीं है कि मतलब चलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, कभी कभी किसी से नहीं चलती है, ठीक। तो गाइस कस्टम HUD में आपको ये चीज़ भी रखनी है और वो कहाँ से मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो क्विक वेपन स्विच दिख रहा है ना आपको, रुको दिखाता हूँ एक सेकेंड, ये जो गाइस आपको क्विक वेपन स्विच दिख रहा है, सॉरी क्विक वेपन स्विच गाइस यहाँ पर है। देखो ये जो आपको क्विक वेपन स्विच मेरा ऑन दिख रहा है ना, देखो अभी मैं इसको गाइस ऑफ कर लेता हूँ, रुक जाओ। देखो मेरा ऑफ हो गया, अब मेरा क्विक वेपन स्विच जा चुका है। अभी गाइस देखो मैं यहाँ पर क्विक वेपन स्विच को ऑन रख लेता हूँ। सो देखो मेरा वहाँ पर वो चीज़ वापस से आ चुका है, ठीक है। और गाइज AWM को बिना रीलोड जो हमारी सेकेंड टिप आती है गाइज, हमारी फर्स्ट टिप तो गाइज थी कि आपको अपने AWM को चेंज करना है। बट यार गाइज अगर मैं क्या कहूँ कि अगर आप अपने AWM को चेंज करो और आपका AWM गाइज हो ही ना, विदाउट रीलोड चले ही ना, सो गाइज ये कभी कभी होता है बट किसी को पता नहीं होता, ठीक है। सो देखो इसके लिए क्या होता है, देखो ये जो आप देख रहे हो ना, एक सेकंड गाइस, ये जो आप देख रहे हो AWM स्नाइपिंग, ठीक, ये हर स्नाइपर के साथ होता है। सो जब आप इसको ना वो कर दोगे, हाँ नॉर्मल में कर दोगे गाइस, नॉर्मल। सो गाइस देखो अभी मैं यहाँ पर इसको नॉर्मल में कर देता हूँ। देखो मैंने कितनी जल्दी रीलोड उसको स्विच किया, देखो कितनी जल्दी स्विच किया बट ये रीलोड कर रहा है। सो गाइस ये होता क्या है ना कि देखो जब हम होल्ड टू फायर स्कोप पे आप इसको कर देते हैं, जैसे ही आप फायर बटन को प्रेस करते हो, देखो जैसे ही आप फायर बटन को प्रेस करते हो गाइस आपका AWM का स्कोप खुल जाता है, और जैसे ही आप इसको छोड़ते हो तो फायर हो जाता है। और गाइस इस तरह फायर करना ना काफ़ी आसान रहता है, ठीक है। और गाइस इस तरह ना अगर आपका होल्ड टू फायर स्कोप पे है तो आपकी AWM रीलोड होगी, अगर नहीं है तो मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है गाइस। और गाइस यही है, अगर आपकी AWM लोड होती ही नहीं है तो क्या, यही तो आप ये गलती करते होगे गाइस, तो इसको सुधार लो, मैंने आपको बता दिया। और गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और लाइक नहीं किया तो कर देना, चिंता मत करो अभी वीडियो खत्म नहीं हुई। सो गाइस अभी हम बात करने वाले हैं AWM के साथ कुछ कैरेक्टर स्किल्स के बारे में, ठीक है। मतलब AWM अगर आप चलाना चाहते हो डबल ओमी या फिर सिंगल ओमी, सो
आपको कौन कौन से वेपन्स लेने चाहिए। सो गाइस सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लो अगर मेरे पास, मैंने डबल ऑम रैंक में यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक। सो गाइस मैं क्या करूँगा ना कि एक ही ये ले लूँगा छोटू शॉटगन M1873, या फिर गाइस इसकी जगह पे आप ये भी ले सकते हो, मैं बता रहा हूँ रुक जाओ। अगर आप रैंक में खेल रहे हो तो गाइस इसकी जगह पे आप G18 भी ले सकते हो, क्योंकि गाइस ये दोनों ही अच्छी है। अगर आप शॉटगन चलाना चाहते हो तो गाइस आप ये ले लो, क्योंकि गाइस जब भी मैं ना रैंडम गाइस डबल आर्म लेता हूँ, वैसे तो मैंने रैंक में कभी डबल आर्म लिया नहीं, बट यार गाइस जब भी मैं क्लास स्क्वाड में डबल आर्म लेता हूँ तो मैं एक ये जरूर लेता हूँ, क्योंकि यार गाइस उसमें M1873 अवेलेबल नहीं होता। और गाइस मैं ज़्यादातर शॉटगन यही चलाता हूँ, कौन सी ये वाली, ठीक है। सो गाइस अभी बात कर लेते हैं कुछ करेक्टर स्किल्स के बारे में जो कि हमें यूज़ करनी चाहिए आर्म के साथ, ठीक है। तो चलिए, सो गाइस देखो यहाँ पर जो गाइस मैं करेक्टर स्किल यूज़ करता हूँ ना, वो गाइस मैं सबसे पहले पर यूज़ करता हूँ गाइस क्ला की, क्योंकि यार गाइस ऐसा भी हो सकता है अगर आपके पास अभी आप कोई छोटू शॉटगन ढूंढ रहे हो रैंक में, या फिर अब G18 नहीं रहे और आपके पास डबल ऑम है। सो गाइस आपने बंदे को 150 का तो मार दिया, फिर बंदा अब इतना कूद रहा है, मतलब ऐसा कभी हो जाता है बंदा इतना जंप कर रहा है कि आपसे और नहीं हो रहा है। सो गाइस मैंने अपने क्ला को 80% तक का डैमेज अपग्रेड कर रखा है, आप लोग को दिखा दूँ, सॉरी ये आया तो है, सॉरी गाइस। सो गाइस देखो ये है हमारे क्ला, और गाइस देखो मैंने क्ला को यहाँ तक अपग्रेड करके रखा हुआ है। अब गाइस मुझे 12,000 एंड प्लस 16,000 गोल्ड इसमें लगाना है, जो कि मैं जल्दी ही लगाऊंगा। सो गाइस देखो पहली हमारी कैरेक्टर स्किल हो गई, बिकॉज क्ला गाइस बहुत ज़रूरी होता है कि आप तक कब भी काम पड़ जाए। गाइस दूसरी स्किल मैं यूज़ करता हूँ मौकों की, ठीक। और गाइस ऑम चलाने के लिए गाइस सबसे ज़रूरी चीज़ लोरा। सो गाइस देखो लोरा, गाइस लोरा क्या है, एक शार्प शूटर है, जैसे कि अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखो अभी हम चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर और आपको दिखाते हैं। सो गाइस देखो अभी हम ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं, और गाइस अभी अभी बंदे सारे आए हैं। सो गाइस देखो यहाँ पर गाइस मेरे हाथ में है ऑम, ठीक, कोई नज़दीकी गन नहीं है। देखो यहाँ पर बंदे से मेरा एम कितना दूर है देखना, और उसे डैमेज पड़ेगा, देखो पड़ा ना, ठीक है। हैकर है क्या? अरे भाई साहब ये बंदा हैकर है गाइस, देखा हेड मारने पर मरा यार, कौन से लेवल का बेचता। सो गाइस देखा यहाँ पर मेरा एम गाइस कितना बंदे से दूर था, आपने देखा होगा गाइस, नोटिस किया होगा, वीडियो को स्किप करके देख लेना यार, मतलब सॉरी स्टॉप करके देखो, यहाँ पर इस बंदे से मेरा एम इतना दूर था। देखो अभी देखना इस बंदे से, अरे भाई रुक जा, वीडियो बना रहा हूँ यार। सो गाइस इसने मार दिया, ये गुस्सा हो गया। सो गाइस देखो अभी देखो मेरा एम देखो उस बंदे से इतना दूर है, अरे वो मर गया यार, तब तक देखो इतना दूर है, सॉरी नहीं लगा, अभी लगा गाइस। सो गाइस जिन लोगों को ना ये चीज़ पता है उनके लिए ये नहीं है, आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस मैंने आप लोगों को जो बताना था बता दिया, और गाइस मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना, देखो ऐसे ना ज़्यादातर हेडशॉट मारने की प्रैक्टिस किया करो यार ट्रेनिंग में, डबल आर्म लेके जाओ, कोई भी नज़दीकी गन मत लेके जाओ, मैंने आपको जो M1873 बताया था ना वो भी मत लेके जाओ यार, और एक क्ला भी लेके जाओ साथ में, मतलब सब कुछ निकाल दो। इससे क्या होगा गाइस, आप डबल आर्म की प्रैक्टिस साथ साथ अगर बंदे आपके नज़दीक में आ जाते हैं, देखो जैसे मैं ट्रेन निकाल दी, अगर बंदे गाइस आपके नज़दीक में आ जाते हैं तो गाइस इससे क्या होगा ना, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा बिल्कुल अच्छा वाला, ठीक है। और गाइस आप ओनली फेस फाइट भी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक कर देना, देख लो, अरे 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 चचे 150 का दूंगा अभी ये लो। तो गाइस ऐसे ही एक ऑन करी, ऐसे ही ऑन गाइस अज्जू भाई भी चलाते हैं, और गाइस मतलब गूगल से लेना गाइस, आप ट्रेनिंग ग्राउंड में एक सॉरी M82 भी लेकर आओ, M1 और एक गाइस ऑन लेके आओ, क्योंकि यार गाइस ऑन कभी भी मतलब
अच्छी चलती है, बट एम टू डी मेरे से उतनी चलती नहीं है। ठीक है तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना तो ठीक है, एंड गाइस ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। सो टाटा बाय बाय।